अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो, मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं वुजू। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। जीती रहो बेटे, जीती कैसे? बेटा कोई भी काम करते हैं ना तो सबसे पहले इरादा करते हैं उसका। अच्छा काम करना होता है तो उसकी नीयत करते हैं। ये जो नीयत होती है ना, कोई मामूली बात नहीं होती। अपने रब को मुखातिब करना होता है। रब को जब मुखातिब करते हैं तो रहमतों के नजूल शुरू हो जाते हैं, समझे? कोई बात नहीं, ये कोट उतारो और आस्तीन ऊपर करो। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? मिस्टर राव, हैरत है, आप लाइफ में कभी मस्जिद नहीं गए, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी इबादत नहीं की, ये कैसे हो सकता है? कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब हम साथ करेंगे। याद है एक मर्तबा आपने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स याद है, तुम्हारी कहीं भी बात कैसे बोल सकता हूँ। तुम्हारी लिस्ट में मैं सबसे ऊपर अपना नाम सुनना चाहता था, जो कि कहीं नहीं था। आपको पता है, मैं अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ। Then I must finally thank God कि तुमने किसी गोश पोस्ट के इंसान का नाम लिए दे दिया मेरे सामने। पता नहीं मुझे कितनी तकलीफ होती, शायद जान से मार देता। तुमने गॉड का नाम लिया ना, ठीक है, तुम जितना चाहो अपने गॉड से प्यार करो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे गॉड के बीच में कभी भी नहीं आऊंगा, लेकिन दुआ, इंसानों की लिस्ट में तुम्हारा नंबर वन हमेशा मैं होगा। मेरे और मेरे गॉड के बीच में नहीं आएंगे? गॉड आपका भी तो है ना मुस्तजाब, आप भी तो उसी की मखलूक हैं।